इस शताब्दी समारोह के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी व्यवस्था का 100 साल का कार्यकाल, क्या लगता है, तो चलेगा ये? जरा जो गुंज आवश्यकता से ज्यादा आ रही है, किसी भी ऐसे व्यवसायिक व्यवस्था का 100 वर्ष का कार्यकाल, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और इस 100 साल के कार्यकाल में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा और उसके बाद भी निरंतर प्रगति करते रहना। बैंकिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपका कितना ही कौशल्य क्यों ना हो, कितना ही बढ़िया मैनेजमेंट क्यों ना हो, कितना ही उत्तम प्रोफेशनलिज्म क्यों ना हो, कितने ही होमदार आपके कर्मचारी क्यों ना हो, कितने ही शानदार आपके भवन क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक चलती है इसकी गारंटी नहीं। बैंक तब चलती है जब उसके प्रति भरोसा होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्वास ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। और 100 साल के कार्यकाल में जिन जिन लोगों ने इसका नेतृत्व संभाला होगा, उन्होंने कभी भी इस विश्वास पर आंच नहीं आने दी होगी, तब जाकर के आज 100 साल मनाएगा हमें सौभाग्य मिलेगा। एक फर्क देखिए मित्रों, जिंदगी की तरफ देखने का। आज अगर एक 25, 27, 30 साल का नौजवान होगा, वो क्या सोचता होगा? मैं इंजीनियर हूं, मैं ढिकना हूं, मैं फलाना हूं। सुनने में दिक्कत होती है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ठीक है चारों को, कहीं इधर से नहीं लग रहा। नहीं, हम बोले और बेकार जाए तो बोले क्यों? कब से देख रहा हूं शताब्दी का समारोह और बड़े गंभीर थे आप। और आप संगीत और संगत की प्रतीक्षा में हैं, तो बीच में हम खड़े हैं और संगीत से ज्यादा कुछ लोगों को संगत में इंटरेस्ट होगा। मैं तो 100 साल के कार्यकाल में जब उसकी नींव की तरफ देखते हैं, तब एक विचार मन में आता है। आज अगर कोई 25, 27, 30 साल का नौजवान होगा और उसके पास कुछ करने की इच्छा हो, तो क्या सोचेगा? किसी अच्छी बैंक से मैं जाकर के अगर कोई पैसे मिल जाए तो पूंजी लगाकर उद्योग शुरू, थोड़ा साहसिक होगा तो ये सोचेगा। कोई ऐसा नौजवान आज मिल सकता है जो ये सोचे कि मैं बैंक में जाकर के पैसे क्यों लूं, मैं भी बैंक क्यों न खड़ा करूं?
सोराब जो वो इंसान थे जिसने 30 साल की उम्र में सोचा कि मैं क्यों बैंक को बनूंगा। मैं तो किसी भी नौजवान के लिए इससे बड़ा इंस्पिरेशन नहीं हो सकता है। कभी कभी हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट जब पढ़ते हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन ये जो मैनेजमेंट पढ़ने जाते हैं तो उनको जापान के उस उद्योगकार ने किस प्रकार से जीरो से हीरो बन गया, ऐसा पढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान का कोई आईआईएम है जो सोराब जी को केस स्टडी के रूप में पढ़ाता होगा? बहुत गंभीर सवाल उठा रहे। क्या इससे बड़ा कौन सा केस स्टडी हो सकता है? इससे बड़ा क्या इंस्पिरेशन हो सकता है? और उस समय गुलामी का कालखंड था, हर बात पर अंग्रेज की हुकूमत चलती थी, और तब 31 साल का नौजवान ये तय करे मैं हिंदुस्तानी बैंक बनाऊंगा। और मैं अहमदाबाद के व्यापारियों को अभिनंदन करता हूं, वो डंके की चोट पर कहने का सामर्थ्य रखते थे उस जमाने में कि हमें कोई स्वदेशी मैनेजर मिल जाए, ऐसी बैंक चाहिए। मित्रों, अपने आप में लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि दुनिया के किसी देश के अंदर कोई घटना हो जाए तो हमें लगता है वही घटना घटना होती है, हमारी घटना में कोई घटना नहीं। जिस स्वदेशी भाव के कारण सेंट्रल बैंक का जन्म हुआ, उसके जन्मदाता, उसकी प्रेरणा लेकर के आज मेरे हिंदुस्तान में अगर सोराब जी को नहीं पढ़ाया जाता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यहां सेंट्रल बैंक क्या क्या डोनेशन देते हैं ये सब मैंने सुना, क्या क्या कार्यक्रम स्पॉन्सर करते हैं मैंने सुना, क्या सेंट्रल बैंक हिंदुस्तान की सभी यूनिवर्सिटी में सोराब जी के नाम के चेयर नहीं बना सकता हर यूनिवर्सिटी में, और सोराब जी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का स्टडी करने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं कर सकता? शताब्दी मना रहे हैं आपके बोर्ड को जैसे यहां भेजा है तो मेरा सुझाव वहां ले लें। मित्रों, हम कैसे सोच रहे हैं, मुझे कभी कभी बहुत मन में सवाल है। इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती, और उस प्रेरणा के आधार पर हम कैसे आगे बढ़े? यहां रिजर्व बैंक के लोग भी हैं, या सेंट्रल बैंक भी है, यहां सेंट्रल टीम के लोग भी हैं। हमें बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई नयापन सोच सकते हैं क्या, आउट ऑफ बॉक्स? मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, लोग पैसे दे जाएं, आप उसको रखें, फिर आप दूसरों को दे और बीच में कुछ मिले उससे कारोबार चलाए, यही चल रहा है। मित्रों, इतनी धन संपदा आपके पास है, क्या आप आउट ऑफ बॉक्स सोच करके देश की विकास यात्रा में किस पहलू पर हम प्रायोरिटी दें, कहां हम बल दें? क्या हम सिर्फ अपने क्लाइंट को ही कैटर करते रहे, क्या उन्हीं के सोचते रहे? जैसे मेरे मन में विचार आता है, यह देश जहां घरों में हजारों टन सोना पड़ा है, हजारों टन सोना, क्या ये देश की विकास यात्रा में जोड़ सकते हैं? लोग पैसे तो बैंक में रखे जाते हैं, लॉकर के अंदर से भी सोना भी रखे जाते हैं, लेकिन वो पूरे अर्थतंत्र का हिस्सा नहीं बन रहे। मैं चाहूंगा कि देश के अर्थशास्त्र के जानकार लोग, फाइनेंशियल वर्ल्ड को जानने वाले लोग, बैंकिंग सेक्टर को जानने वाले लोग कभी तो सोचें
ये हजारों टन गोल्ड जो हमारे पास पड़ा है वो देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स कैसे बन सकता है। बहुत बड़ी एक ताकत है जो सोई पड़ी है, सुप्त पड़ी है, और उपयोग भी क्या होता है, साल में एक आध बार शायद होता होगा। मुश्किल से एक बार होता होगा। आजकल तो वैसा ही लगता होगा, इतने रखे रखो यार, अवसर में जाना है तो ऐसा ही करो, वो बाजार से नकली माल लेकर के चला लो, चल जाएगा, नई डिजाइन आई है। लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति राष्ट्रीय आर्थिक विकास यात्रा के अंदर कैसे एक फोर्स बन सकती है, कभी न कभी इस देश के नीति निर्धारकों को सोचना पड़ेगा। और यहां उस प्रकार के लोग बैठे हैं, कभी सोचा है। मित्रों, बैंकिंग दुनिया के अंदर अभी मैं अपने इतना बैंकिंग इंडस्ट्री जितना है गुजरात इतना डेवलप हुआ है, अब आप सेंट्रल बैंक के लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे अच्छा लगा, वरना हमें कौन बुलाया, कोई भारत सरकार का मंत्री आता यहां वो शायद खाली नहीं होगी। ताला में चल रही है, ताला में चल रही है, और बुला भी नहीं आया तो अग्रवाल जी का क्या होगा, ये सवाल है मेरे मन में। चार से महीने में कुछ गाल में गिर जाए। लेकिन देखिए आप अखबार में पढ़ते हैं विकास कहां हुआ है, पढ़ते हैं ना लोग, सवाल उठाते हैं गुजरात में विकास कहां हुआ है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई ये कह रहा है। लेकिन सेंट्रल बैंक कह रही है जो भारत सरकार की है, वो कह रही है कि 6 में से 4 जून गुजरात में हिंदुस्तान के पूरे पान इंडिया, लेकिन झंडा आपका अक्सर गड़ा है गुजरात में, 6 में से 4 यहां। और क्राइटेरिया मैंने पूछा, कहीं ऐसा हो सकता है भवन के कारण है क्या, स्टाफ की डिसिप्लिन के कारण है क्या, नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ बिजनेस के कारण है, मतलब क्रेडिट गोज टू गुजरात। जो विकास होता है उसका रिफ्लेक्शन हर जगह पे दिखता है। आज ये अखबार भरे पड़े हैं, इनकम टैक्स में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर विकास, भारत सरकार को जो इनकम टैक्स की इनकम है उसमें नंबर 1 गुजरात। ये रुपये लोग टैक्स के देते कहां से जी, विकास हुआ तभी तो देते हैं। लेकिन उसी अखबार में दूसरी प्रश्न होती है, विकास नहीं हुआ है, झूठ बोल रहा है। मित्र, इस कॉन्ट्राडिक्शन के बीच हमें देश को आगे बढ़ाना है। आज भी इतने सारी इतनी बैंक, इतना व्यापार, लेकिन मेरे जैसे गुजरात के समृद्ध राज्य के 7,000 गांव ऐसे हैं कि जिन गांवों की 5 किलोमीटर की दूरी पर भी बैंक नहीं है। 7,000 गांव ऐसे हैं जहां 5 किलोमीटर रेडियस में कोई बैंक नहीं है। आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, क्या हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोकल लोगों को एम्पावर करके एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नेटवर्क को खड़ा कर सकते हैं? एटीएम के माध्यम से कुछ मात्रा में हुआ, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज गुजरात जैसे राज्य के हर गांव में बैंक क्यों ना हो, ये चाहिए। यहां जो लोग हैं वो ट्रांसफर होकर के वहां नहीं जाएंगे, मैं जानता हूं, इसलिए आपके लिए मैं नहीं कह रहा। लेकिन वहां लोकल लोग मिल सकते हैं, लोकल लोग मिल सकते हैं और इस कारोबार को चला सकते हैं। वहां उसको 1 घंटा काम करना होगा,
रूरल बैंकिंग के लिए वन अवर जिला, और टेक्नोलॉजी का थोड़ा सहारा ले लिया तो आप बिल्कुल अपडेट रह सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि बैंकिंग फील्ड का एक नया मॉडल है देश को, इस 100 साल के बाद क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनिशिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। हम सखी मंडल के अंदर काम कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी हमसे जुड़ा हुआ है, हरीश जी हमारे काफी उसमें काम कर रहे हैं, और उसके कारण आज गुजरात में पिछले 3 साल में इस काम पर हमें बल दिया है। बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली की महिलाएं, उनके 11 महिलाओं का सखी मंडल बन रहे हैं, वो बचत कर रहे हैं 2 रुपया 5 रुपया 7 रुपया जैसे जिनकी संख्या, और बचत करने में हमारे देश में महिलाओं की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप देखिए घर में कितना ही संकट क्यों ना आया हो, गरीब का गरीब घर होगा और मुसीबत आई 1 रुपया नहीं दिखता होगा, लेकिन वो गरीब महिला अपने साड़ी के पल्ले में से खोल करके निकाल कर दे देती है। ये हमारे देश की बैंक हुई है, उसका सेफ डिपोजिट बहुत हुई है, ये हमारी मातृशक्ति की सामर्थ है। क्या देश के विकास में उनके इस गुण को हम जोड़ सकते हैं? हमने एक सखी मंडल का नेटवर्क बनाया, मिशन मंगल में एक नया मॉडल लिया है, एक लिमिटेड कंपनी बनाई है। आज गुजरात के अंदर करीब 2.5 लाख सखी मंडल बने, 25 लाख से अधिक गरीब परिवार की माताएं जुड़ी है, और मित्रों सिर्फ 2 साल का प्रयास में आज 1,400 करोड़ रुपए का कारोबार हो कर 1,400 करोड़ रुपए, और नियर फ्यूचर में हम उसको 5,000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं गुजरात के गांव की गरीब महिलाओं के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपयों का कारोबार जब चलता होगा तब वो रूरल इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा ड्राइविंग फोर्स होगा, किस प्रकार से वो जनरेट करेगा मनी को आप कल्पना कर सकते हैं। और इसके साथ हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जोड़ा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए एनजीओ को जोड़ा है, मार्केटिंग एंड रॉ मटेरियल का काम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के माध्यम से करवा रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र हमारे पास जुड़ा है जो फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है। एक ऐसा होमोजेनियस एक एंटिटी खड़ी की है, जो एंटिटी एक नए मॉडल के रूप में आज देश के अंदर हम उभार रहे हैं, और हो सकता है आने वाले 2-3 साल के अंदर उस पर भी एक चर्चा होगी, एक मॉडल के रूप में काम करेगी। दूसरी बात है कि बैंक का अपना विकास का एक नक्शा होता है, राज्य का विकास का नक्शा और होता है, उद्योगकारों का विकास का नक्शा तीसरा होता है, एजुकेशन फील्ड के लोगों का विकास का नक्शा चौथा होता है, ह्यूमन रिसोर्स एक प्रकार से डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री दूसरे प्रकार से लग रही है, फाइनेंस तीसरे क्षेत्र में जा रहा है। सबके टारगेट तो पूरे हो रहे हैं लेकिन अल्टीमेट गोल सिद्ध नहीं हो रहा। इस स्थिति को बदलने का हमने कोशिश शुरू की है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर सभी काम करते हैं, सभी फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोग वहां मौजूद होते हैं और वो सारी इन बातों को देखते हैं, और जब उनको ध्यान आता है भाई अब गुजरात भी इसी तरफ बल दे रहा है तो फाइनेंशियल बल भी एक कदम उसी दिशा में आगे बढ़ता है, और दोनों का जब मैचिंग होता है तब प्रगति है। अब जैसे हम इन दोनों लगे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यूएशन कैसे हो, हम चाहते हैं कि हमारा किसान जो उत्पादित करता है उसमें वैल्यूएशन कैसे हो, वो हरी मिर्ची बेचता है तो कम पैसे मिलते हैं, लेकिन लाल मिर्ची का पाउडर बनाकर के बेचता है तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, और उस पर भी अगर किसी नटी का फोटो हो जाए और ज्यादा पैसा मिलता है। अब बैंक वाले को पता होना चाहिए कि ये हरी मिर्ची वाले से ज्यादा ये लाल मिर्चा वाले नटी वाली लाल मिर्ची तक पैसे देंगे तो ज्यादा काम होगा। मित्र हम चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यूएशन कैसे हो,
उस प्रकार के उद्योग हमारे यहां कैसे लगे, हमारे किसान की आय कैसे बढ़े। अगर वो बटाटा पैदा करता है, अगर दाम गिरते हैं तो मुसीबत में आ जाता है, लेकिन अगर वेफर बना लेता है तो बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है, उसको गारंटी मिल जाती है, तो हम उसकी ओर क्यों ना जाएं, हम उस प्रकार की व्यवस्था क्यों ना करें। हम टमाटर कितने दिन बेच पाएंगे, टमाटर पैदा होते ही एक दिन दो दिन, लेकिन अगर केचप बनाने का कारखाना लगा है तो किसान सुरक्षित रह जाता है। और इसलिए हम सारे अपने फाइनेंशियल चीजों को, अगर राज्य का फोकस यह है और राज्य इस दिशा में काम कर रहा है, अगर और प्रभावी जुड़ जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर जाता है कि आने वाले दिनों में हम इस प्रकार की अपनी प्रायोरिटीज, हरेक का अपना विजन को कैसे संकलित करके करें। और वो सिर्फ बैंक अकेले नहीं, तो राज्य को भी करना पड़ेगा, राज्य को भी बैंक की प्रायोरिटी के साथ अपने आप को मैच करना पड़ेगा, बैंक को राज्य की प्रायोरिटी के साथ मैच होना पड़ेगा, तब जाकर हम अल्टीमेटली डिसीजन ला सकते हैं। गुजरात ने उस दिशा में कोशिश की है और सेंट्रल बैंक के साथ हमारा नाता स्वाभाविक पुराना है, जैसा कहा उन्होंने, उनके क्लाइंट बहुत बड़े होनहार है, अच्छे हैं, हमारा भी नाम ले लेते हैं, मेरा तो खाता नहीं है क्योंकि मैं खाता नहीं है। मेरी सरकार के जरूर है मित्रों, तो 100 साल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी सोच रहा था बड़ा मामला गंभीर गंभीर है तो थोड़ा हल्का फुल्का हो जाए, क्योंकि मैंने पहला पारसी ऐसा सुना जिसको सुनने के समय आनंद विभोर नहीं हुए, वरना पारसी दो वाक्य बोले तो खुश कर देता, लेकिन इनको भारत सरकार से भेजा गया तो टेंशन में है। टेंशन मत रखिए, जाके बता दीजिए मोदी जी नहीं आए थे। धन्यवाद मित्रों।